नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल मजे में होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एलोवेरा में हम ऐसे कौन कौन सी चीजें मिलाएं जिससे कि हमारा चेहरा जो है बिल्कुल ग्लो करे, बहुत निखार आए हमारे चेहरे पर, और साथ ही में हमारे स्किन जो है वो बिल्कुल टाइट हो जाए और हमारे चेहरे के जो दाग धब्बे वो बिल्कुल दूर हो जाए। तो बहुत ही आसान रेमेडी है। इसके लिए आपको सिर्फ एक या दो चीज़ें चाहिए जो आपको लेकर आनी है मार्केट से, और वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं अगर बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेते हैं खाली बाउल, ठीक है? और इसके लिए आपको मार्केट से दो चीज़ें खरीद कर लानी है। और सबसे पहली है विटामिन ई कैप्सूल, और दूसरी चीज़ है ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आलमंड ऑयल लीजिए। वो नहीं है तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको चलेंगी। नारियल का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन ये दो जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो खाली बाउल लेते हैं, हम इसमें मिलाएंगे एलोवेरा जेल। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लेंगे इसमें एलोवेरा जेल, ठीक है? अगर आपके पास, आप जो भी जिस भी ब्रांड का यूज़ करते हैं आप ले सकते हैं। देखिए, मार्केट वाला ही लेना है। अगर आप तुरंत लगा रहे हैं, अगर आप स्टोर करके रख रहे हैं इसको बनाकर, तो मार्केट वाला लीजिए, रेडीमेड वाला लीजिए। अगर आप एक दिन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप फ्रेश वाला एलोवेरा जेल ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है एलोवेरा जेल। अब हमको इसमें दूसरी चीज़ लेनी है, आलमंड ऑयल, ठीक है? अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल ले सकते हो। तो इसको भी हमको एक चम्मच के करीब डालना है, ठीक है? इसमें छोटा चम्मच का एक चम्मच आप इसमें ले लीजिए। और तीसरी चीज आपको इसमें मिलानी है विटामिन ई का कैप्सूल। ये पत्ता भी आपको बाहर से खरीद कर लाना होगा, ठीक है? मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको एक से दो चीजें जो है वो खरीद कर लानी पड़ेंगी, है ना? तो इसको मैं क्या करती हूँ, इस तरह से इसको सुई की मदद से छेद कर लेती हूँ। और ये देखिए, हम इसका पूरा ये है ऑयल निकाल लेंगे। ये हो गई हमारी तीन चीजें, ठीक है? अब हमको इसमें एक चीज और मिलानी है, और वो क्या है दोस्तों, वो है ग्लिसरीन। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं है तो आप इसको जितना आपने आलमंड ऑयल लिया है उतनी ही मात्रा आप इसकी भी ले लीजिए, ठीक है? तो हम ये सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको इतना मिक्स करना है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, यानी कि मतलब इसका आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप मार्केट से कोई महंगी क्रीम लेते हो, सेम उसी तरह ये देखिए, ये हो जाएंगे बिल्कुल वाइट। आप इसको क्या करिए, एक कांच की डिब्बी में या प्लास्टिक की डिब्बी हो आपके पास छोटी सी, उसके अंदर इसको स्टोर करके रख लीजिए, ठीक है? और जब भी आप सोते समय, रात में, दिन में, जब भी आप घर पे हो, फ्री हो या सो रहे हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। देख रहे, ये देखिए, इसको मैं आपको पूरी अच्छी तरह से निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, देख रहे आप, क्रीम की तरह हो गया। आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर करके रख सकते हो। तो आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। देखिए, हम कोई फेस मास्क बोलो, कोई भी क्रीम बोलो या लोशन बोलो या फिर कोई सीरम बोलो, जब आप अपने फेस पर अप्लाई करते हैं उसको, तो उसके पहले आपको मैं आपको बता दूँ कि आपका जो फेस है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ कच्चा दूध। मैंने कच्चे दूध में कॉटन को डुबा लिया है और इस तरह से अपने फेस को पूरा क्लीन कर रही हूँ। हमारे बाप रे, बहुत ज़्यादा ब्लैक निकल रहा है, क्योंकि मैं अभी बाहर से आई हूँ ना, इसीलिए। तो इस तरह से हमको अपना फेस पूरा क्लीन कर लेना है। चेहरे पर डस्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी, चेहरे पर धूल मिट्टी गंदगी कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चेहरा साफ होना चाहिए। उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है?
तो फ्रेंड्स, मैं अभी आई हूँ बाहर से, इसलिए मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा डस्ट बैठी है। तो इसको लगाने के बाद मैं एक बार चेहरा पानी से भी धोकर आऊँगी, ठीक है? उसके बाद ही हम इसको अप्लाई करेंगे अपने चेहरे पे। तो फ्रेंड्स, मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा डस्ट थी, इसलिए मैंने फेस अपना पानी से धो लिया है और अब मेरा चेहरा पूरा क्लीन हो गया। मैंने पहले दूध से भी साफ किया और उसके बाद इसको पानी से धो लिया है। तो ठीक है, तो अब हमको इसको अप्लाई कैसे करना है, देखिए। आपको सबसे पहले अपना फेस एकदम क्लीन कर लेना है और उसके बाद इसको जैसे कि आप कोई क्रीम लगाते हो ना, उस तरह से इसको ऐसे लगा लेना है, ठीक है? और उसके बाद इसको हमको मसाज करनी है। तो फ्रेंड्स, हमको ना इस तरह से अपने चेहरे को हल्के हाथों से इसको मसाज करनी है, ठीक है? एकदम हल्के हाथों से आप देखेंगे कि ये आपके चेहरे के अंदर पूरी तरह चली जाएंगी, बिल्कुल हल्के हाथों से। ज़्यादा आपको जोर देकर नहीं करना है, जैसे आप कोई क्रीम लगाते हो ना, सेम उसी तरह आपको इसको अप्लाई करना है, ठीक है? इस तरह से हल्के हाथों से होठों पे, ऊपर, आंखों के आजू बाजू, पूरा सर्कुलर मोशन में लगाइए। इस तरह हल्के हाथों से आप देखेंगे, आप इसको रोज यूज कीजिए, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही ज्यादा नेचुरल है। और इससे आपके क्या होंगे, दाग धब्बे सारे दूर हो जाएंगे और आपकी स्किन साथ में टाइट होंगी, बहुत ज़्यादा टाइट होंगी। और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है बिल्कुल एकदम ग्लास स्किन हो जाएंगी, शाइन करेंगी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा, चेहरे पर निखार आ जाएगा, दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, और क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और इसके रिजल्ट जो है मेरे साथ शेयर कीजिए। आप इसको रात को लगाकर सोएंगे, आपको बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। सिर्फ यही कि सोने के एक दो घंटे पहले आप इसको लगा लीजिए, खाना खाने के बाद चेहरा धोकर इसको लगा लीजिए, जब आप सोए तो इसको लगाकर दो घंटे हो जाना चाहिए, है ना? तो आपको ऐसा बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगेगा और ना ही आपके बिस्तर पर जैसे तकिया हो गई आपकी उस पर चिपकेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? आप इसको गले पर भी यूज़ कर सकते हो, हाथों पर यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी आपकी स्किन इससे और टाइट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मैं कल मिलती हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।